हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकेट लर्निंग। और आज हम समझेंगे फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, सेवेंथ क्लास का, जो कि है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ये चैप्टर जो है वो आपको हर साल होता है, क्योंकि हर साल हम डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। देखिए, सेवेंथ क्लास में जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे वो होगा मिडिवल हिस्ट्री। सिक्स क्लास में हमने जो हिस्ट्री पढ़ा था वो था एंशियंट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री तो भले अलग अलग है, लेकिन सोर्सेज जो है वो लगभग लगभग सेम ही होते हैं। देखते हैं हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो समझते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि वाटर, आपके घर में वाटर आता है, तो आपको बताना है कि वाटर के सोर्सेज क्या क्या है। सोर्सेज मतलब आपके घर में पानी कहाँ कहाँ से आता है। तो आप कहोगे सोर्सेज मतलब आपके घर में पानी कहाँ से आता है। अगर मैं आपको पूछूँ तो आप क्या कहोगे कि पानी तो नल से आता है, टैप से आता है। ठीक है, फिर वो टैप में पानी कहाँ से आता है, तो रिवर से आता है। तो ये जो है टैप, रिवर, ये सब क्या हो गए, सोर्सेस ऑफ वाटर। सिक्स क्लास में हमने साइंस के टाइम पे सोर्सेस ऑफ लाइट पढ़े थे। लाइट जहाँ से भी मिलती है उसे हम सोर्सेस ऑफ लाइट कहते हैं, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया। हमने सोर्सेस ऑफ साउंड पढ़े थे, साउंड जहाँ से भी निकलता है उसे हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ साउंड। जैसे डीजे से साउंड निकल रहा है, तो डीजे एक सोर्स हो गया साउंड का। वैसे ही हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मतलब जहाँ से हमें हिस्ट्री की नॉलेज मिलती है, जहाँ से भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, उसे हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। वी स्टडीड एंशियंट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री लास्ट ईयर। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो हमने लास्ट ईयर यानी कि सिक्स क्लास में कौन सी हिस्ट्री पढ़ी थी, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी थी। लेकिन इस साल हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री। देखिए, जो हिस्ट्री है ना वो तीन टाइप की होती है। सबसे पहले तो होता है एंशियंट हिस्ट्री, फिर हम पढ़ते हैं मिडिवल हिस्ट्री, फिर हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये तीन टाइप की हिस्ट्री होती है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी मॉडर्न। ठीक है, तो सिक्स क्लास में हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या होता है, 9th सेंचुरी कॉमन ईरा टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी कॉमन ईरा। तो 9th सेंचुरी से लेकर तो 18th सेंचुरी कॉमन ईरा तक मिडिवल हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। एक नंबर लाइन होती है, जैसे कि मैथ्स में नंबर लाइन होती है, वैसे हिस्ट्री में टाइम लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन मैथ्स में क्या होता है, पीछे जाएंगे तो -1 -2 आता जाता है, आगे जाएंगे तो +1 +2। यहाँ पे जो है, यहाँ पे डेट्स आती जाती है, यहाँ पे माइनस नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम पीछे जाते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा। और जीरो के जैसे ही आगे जाते हैं उसे हम कहते हैं CE, मतलब कॉमन एरा। ठीक है, तो मिडिवल हिस्ट्री जो है वो हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, 9th सेंचुरी से लेकर तो 18th सेंचुरी कॉमन ईरा तक। यहाँ पे कॉमन ईरा है, मतलब यहाँ पे कहीं पे 9 होगा, 9th सेंचुरी कॉमन ईरा। सेंचुरी बोला गया है, मतलब 900 हो गया यहाँ पे, सेंचुरी मतलब 100 ईयर। तो जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 करते करते 900 तक, और फिर 18th सेंचुरी, यहाँ पे कहीं पे 1800 होगा, तो 1800 सालों तक। तो 900 से 1800 सालों तक जो भी हुआ कॉमन ईरा में, वो सब किस में आएगा, मिडिवल हिस्ट्री में। अच्छा, इसके पहले का जो भी था, यहाँ पे लगभग 3500 ईयर्स है, जब हरप्पन सिविलाइजेशन आया था, तो वहाँ से तो 900 तक जो भी हुआ वो सब आता है एंशियंट हिस्ट्री में। और 1800 के जब हम आगे की तरफ जाएंगे कॉमन ईरा में, तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन ऑल एंशियंट हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक, 3500 BCE से लेकर तो 900 कॉमन एरा तक, CE तक। ये क्या हो गया एंशियंट हिस्ट्री। 900 कॉमन एरा से लेकर 1800 कॉमन एरा तक क्या हो जाएगा, मिडिवल हिस्ट्री। और 1800 कॉमन एरा से जो भी आगे का पार्ट है अब तक का, वो हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि मिडिवल हिस्ट्री के क्या सोर्सेस हैं, मतलब जो मिडिवल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वो हमें कैसे पता चली, उस टाइम पे हम तो थे नहीं, तो हमें पता कैसे चला, तो इसी सोर्सेस का यूज़ करके। सोर्सेस यानी वहाँ के कुछ हमें कॉइन्स मिले होंगे, वहाँ के कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले होंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिले होंगे, तो उस सब से, उन सबको पढ़कर, उन सबको डिटेल में एनालिसिस कर हमें पता चला है कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ करता था। हिस्ट्री गिव्स अस अ क्रोनोलॉजिकल साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री से हमें पास्ट इवेंट्स के बारे में पता चलता है कि पास्ट में क्या क्या घटनाएं हुई है,
ठीक है। और सिर्फ पता ही नहीं चलता बल्कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पता चलता है। क्रोनोलॉजी मतलब क्या हुआ, अगर कोई मौर्यन एम्पायर का एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, लाइक पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, फिर कौन आए, बिंदुसार आए, फिर कौन आए, अशोका आए, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया कि किसके बाद कौन आया, ठीक है, पहले ये, फिर ये, फिर ये। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें कहाँ से पता चला, तो हिस्ट्री से पता चला। फिर साइंटिफिक और सिस्टमैटिक अकाउंट भी हमें मिलता है, साइंटिफिक चीज़ें भी कुछ पता चलती है हमें, जैसे कोणार्क में एक सूर्य मंदिर है जिसके बारे में आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। तो उसमें कहा जाता है कि जो सूर्य देवता है वो हवा में पहले उड़ा करते थे, है ना, तो उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या हुआ, जब हमने हिस्ट्री पढ़ा तो हमें पता चला कि वो ऐसा हवा में फ्लोट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेट्स लगे हुए थे, उन मैग्नेट्स की वजह से वो, उनकी जो मूर्ति है वो हवा में फ्लोट करती थी। और सिस्टमिक अकाउंट से हमें पता चलता है, यानी सिस्टम से पता चलता है कि उस टाइम के लोग क्या करते थे, कहाँ रहते थे, क्या क्या किया करते थे, वो हो गया सिस्टम पूरा, ठीक है। तो हिस्ट्री से हमें सब कुछ पता चलता है पास्ट इवेंट्स के बारे में। फ्यू फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री, दे आर इंडिविजुअल्स, सोसाइटी, प्लेस एंड टाइम्स, सॉरी फोर फैक्टर्स। तो हिस्ट्री पढ़ते हैं जब भी हम, तो चार फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से चार फैक्टर्स? सबसे पहला तो है इंडिविजुअल, मतलब लोग। तो हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हैं, पास्ट टाइम के लोगों के बारे में पढ़ते हैं कि लोग कैसे थे, क्या खाते थे, क्या करते थे, है ना। फिर सोसाइटी वहाँ की कैसी थी, लोग कहाँ पर रहते थे, कौन सा वो रिलीजन वगैरह फॉलो करते थे, ये सब आ गया सोसाइटी में। फिर प्लेस कि एक्चुअल में ये था क्या, लाइक हरप्पन सिविलाइजेशन हमने पढ़ा तो वो कहाँ पे था, हमें पता है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में था, है ना। मौर्यन एम्पायर हमने पढ़ा, वो कहाँ पे था, हमें पता है इंडिया के सेंट्रल पार्ट में था। फिर टाइम के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि ये कब से कब तक था, लाइक मिडिवल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड क्या है, जो मैंने आपको टाइमलाइन बताई, 9th सेंचुरी कॉमन ईरा से लेकर तो 18th सेंचुरी कॉमन ईरा तक, या 900 कॉमन ईरा से लेकर तो 1800 कॉमन ईरा तक। तो हम चार चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं हिस्ट्री पढ़ते वक्त, कौन कौन सी, इंडिविजुअल्स, सोसाइटी, प्लेस एंड टाइम। हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ्स। अब जब भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने उठा के पढ़ लिया, कोई भी बुक हमने उठा के पढ़ ली और उसको सही मान लिया। देखिए बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो रॉन्ग भी होती है, इसीलिए जब भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसके प्रूफ तक जाना चाहिए, उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए और उसके जो प्रूफ्स वगैरह लिखे होते हैं उसे भी पढ़ना चाहिए। जो हिस्टोरियंस होते हैं, अगर उन्हें कोई भी हिस्टोरिकल चीज़ के बारे में पता चलता है तो वो बुक में जब छापते हैं ना तो उसके पहले उन्हें उसका प्रूफ देना पड़ता है कि आपको ये कहाँ से पता चला, ताकि आगे वाली जनरेशन जब हम पढ़े तो वो रियल हमें पता चले, ना कि फेक बातें। कई हिस्टोरियंस क्या करते हैं, फेंकते भी रहते हैं, है ना, कि ऐसा हुआ, लेकिन वो कुछ रियल होता नहीं है। तो जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये ज़रूरी है कि ऑथेंटिक एविडेंस, यानी ऑथेंटिक मतलब जिस पर हम विश्वास कर सके, ऐसे प्रूफ्स, ठीक है, ऑथेंटिक एविडेंस या प्रूफ्स हमें पता चले और उसके बेस्ड पर ही हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। दिस प्रूफ्स आर नोन एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और यही जो प्रूफ है इन्हें हम क्या कहते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हम किसे कहते हैं, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री जो है वो ऑथेंटिक प्रूफ्स पर बेस्ड होती है, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे अगर गुप्ता डायनेस्टी है, एक डायनेस्टी है गुप्ता डायनेस्टी, और गुप्ता डायनेस्टी के कोई राजा थे, मान लीजिए समुद्रगुप्त उनका नाम था, और मैं कहती हूँ कि जो समुद्रगुप्त थे उनको वीणा बजाने का शौक़ था। वीणा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का शौक़ था, ये मैंने कह दिया जाके किसी से। अब सामने वाला क्या बोलेगा, मुझे प्रूफ दो, मैं तुम्हारी बात पे क्यों यकीन करूं? तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है? कि समुद्रगुप्त के टाइम के हमें कुछ कॉइन्स मिले हुए हैं और उन कॉइन्स पे समुद्रगुप्त का फोटो है जिसमें वो वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। तो ये जो मैंने बताया कॉइन्स का, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और ये जो कॉइन है ये क्या हो गया, ये प्रूफ था, और यही क्या है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री था। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री आपको समझा, जो भी प्रूफ्स होते हैं जिस पे हम विश्वास कर सके, उन्हीं प्रूफ्स को हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। लेट अस क्लासिफाई दीज सोर्सेज इंटू मटेरियल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज एंड ओरल सोर्सेज टू लर्न मोर अबाउट देम। लेट अस ऑल्सो इवेल्यूएट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं उन्हें हम तीन भागों में क्लासीफाई करते हैं। पहला तो है मटेरियल सोर्सेज,
मटेरियल सोर्सेस क्या होते हैं, जो भी आपको आसपास मटेरियल दिख रहा है, जैसे कॉइन्स हो गए, कुछ पुरानी बुक्स हो गई, है ना, कुछ पुरानी चीज़ें हो गई, कुछ पुराने बिल्डिंग्स हो गए, ये सब आते हैं मटेरियल सोर्सेस में जिनको आप टच कर सकते हो। फिर दूसरे आते हैं रिटर्न सोर्सेस में। रिटर्न सोर्सेस में क्या क्या हो सकता है, जहाँ पे भी आपको लिखा हुआ कुछ मिल गया, सॉरी बुक्स मटेरियल में नहीं, बुक्स आएंगी रिटर्न सोर्सेस में, जहाँ पे भी आपको लिखा हुआ कुछ मिल गया, लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे लिखा होता है, इंस्क्रिप्शंस पे लिखा होता है, रिटर्न सोर्सेस में आ जाएंगे वो। और तीसरी चीज़ होती है ओरल सोर्सेस। ओरल सोर्सेस यानी क्या, कुछ फोक सॉन्ग्स होते हैं जो हम ज़माने से गाते आते हैं, बट एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि वो फोक सॉन्ग बनाया किसने था, लेकिन उनमें हिस्ट्री का भी कुछ होता है, उनमें कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जिसके बारे में उनके लिरिक्स पढ़कर हमको हिस्ट्री का नॉलेज मिल जाता है। लाइक कोई आरती सॉन्ग ले लेते हैं, जैसे हनुमान चालीसा है, आरती सॉन्ग नहीं, हनुमान चालीसा है, तो वो लिखा था तुलसीदास ने, राइट। हनुमान चालीसा किसने लिखा, तुलसीदास ने। तो जब हनुमान चालीसा लिखा गया तो उनमें ऐसी कुछ लाइंस है कि हनुमान भगवान जो थे वो राम जी को मानते थे या लक्ष्मण जी के साथ रहते थे, ऐसी कुछ लाइंस है उसमें कि उन्होंने पर्वत उठाया था। तो ये सब पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला उनके टाइम की हिस्ट्री के बारे में कि वो कैसे थे, है ना। तो ये ओरल सोर्सेस हो गया कि हमें उनके बोलने के बाद पता चलता है। और कुछ एपिक्स भी हैं जैसे महाभारत और रामायण है, ठीक है। ये जो थे, ये जब हुए थे रामायण और महाभारत, तो बहुत टाइम तक लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, बहुत टाइम तक ये ओरली एक माउथ से दूसरे माउथ लोग इसको बताते थे, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताते जाते थे, और कुछ सेंचुरीज के बाद इसको पेपर पे लिखा गया। तो जब तक इसको नहीं लिखा गया था तब तक ये क्या थे, ओरल सोर्सेस थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मटेरियल सोर्सेस, फिर हम पढ़ेंगे रिटर्न सोर्सेस, और फिर हम पढ़ेंगे क्या, हमारे ओरल सोर्सेस। तो वी हैव टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल इवेंट दैट वी वॉन्ट टू स्टडी। तो हिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं जो हमें स्टडी करने हैं। जैसे हमें कोई टाइम है, कोई एंशियंट टाइम है, उसकी हमें स्टडी करनी है, तो क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा, उनके सोर्सेस को स्टडी करना पड़ेगा, है ना। अलग अलग टाइप के सोर्सेस हो सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट आर स्टडी विथ हिस्टोरिकल सोर्सेस। तो हिस्टोरिकल सोर्सेस का यूज़ करके हम हिस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं, वो भी ऑथेंटिसिटी के साथ, यानी प्रूफ के साथ। दिस सोर्सेस हैव टू बी वेरीफाइड। और ये जो सोर्सेस हैं उनको वेरीफाई करना चाहिए कि वो सही लिखा है या सही नहीं लिखा है। वी हैव टू सी वेदर दे आर ऑथेंटिक। इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ दिस सोर्सेस जुडिशियसली एंड ओनली आफ्टर अ क्रिटिकल एनालिसिस। तो इन सोर्सेस की सच्चाई को हमें पता लगाना चाहिए कि ये सोर्सेस सही है या नहीं है, और साथ ही सोर्सेस को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो जुडिशियसली यानी बुद्धि से काम लेना चाहिए और उनका क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। उनको अच्छे से स्टडी करना चाहिए हमें, और उसके पीछे के प्रूफ को भी स्टडी करना चाहिए। फोर्ट्स हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमंग मटेरियल सोर्सेस। तो यहाँ से हमारे मटेरियल सोर्सेस स्टार्ट होते हैं। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मटेरियल सोर्सेस, फिर हम पढ़ेंगे रिटर्न सोर्सेस, और फिर हम पढ़ेंगे ओरल सोर्सेस। तो यहाँ से मटेरियल सोर्सेस स्टार्ट होते हैं। फोर्ट्स हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमंग मटेरियल सोर्सेस। तो जो फोर्ट्स है, फोर्ट्स मतलब किले। अब जो राजा महाराजा थे पिछले टाइम के, वो क्या करते थे, उनका कोई भी एरिया है, मान लीजिए ये मौर्यन एम्पायर का एरिया है, तो वो क्या करते थे, अपने एरिया के चारों तरफ फोर्ट्स बना लेते थे, बड़ी बड़ी दीवारों से फोर्ट्स बना लेते थे। अच्छा, ये क्यों बनाते होंगे, तो सबसे मेन रीज़न तो था प्रोटेक्शन, ताकि जो बाहर के लोग हैं वो इन पे आके अटैक ना कर सके। तो वो जो फोर्ट्स वो बनाते थे किस लिए बनाते थे, प्रोटेक्शन के लिए। इस और वो जो फोर्ट्स है वो अभी तक वैसे के वैसे हमें मिले हैं सोर्सेस के रूप में, और ये जो फोर्ट्स है वो मटेरियल सोर्सेस है, क्योंकि उन्हें हम टच कर सकते हैं, बिल्डिंग्स में आ गए ना ये, तो ये क्या है, मटेरियल सोर्सेस है। सम मेजर टाइप्स ऑफ फोर्ट्स आर हिल फोर्ट्स, फॉरेस्ट फोर्ट्स, सी फोर्ट्स एंड फोर्ट्स ऑन द प्लेन। अब ये जो फोर्ट्स है ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। पहला तो हिल फोर्ट्स जो हिल के पास में है, हिल यानी छोटे छोटे पहाड़ जो हिल के पास में है उन्हें हम कहेंगे हिल फोर्ट्स। जो फॉरेस्ट के पास में बनाए गए हैं उन्हें हम कहेंगे फॉरेस्ट फोर्ट्स। जो सी के पास में है, नदी के पास में है या ओशियन के पास में, उन्हें सी फोर्ट्स कहेंगे, कई बार उसके बीच में भी बनाए जाते हैं। और प्लेन लैंड पे जो फोर्ट्स है उन्हें हम कहेंगे प्लेन लैंड फोर्ट्स या फोर्ट्स ऑन प्लेन्स। मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग समाधिस, ग्रेव्स, वीरगाला एंड बिल्डिंग्स इंक्लूड पैलेसेस, मिनिस्टेरियल मैंशंस, क्वीन क्वार्टर्स एंड ऑल्सो हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल। समाधि मतलब
टेम्पल्स होते हैं जो फोर्ट्स की तरह, सॉरी फोर्ट्स नहीं, जो ऐसे टोम के जैसे दिखते हैं, है ना, वैसे वाले जो टेम्पल्स हैं उनको समाधिस कहते हैं। कई बार जो ग्रेट पर्सन हैं उनके ग्रेव्स बनाए जाते हैं, ग्रेव्स मतलब जिसे हम कबर कहते हैं, उनको दफनाया जाता है, उसके ऊपर कुछ कुछ लिखा जाता है कि वो कब से कब तक थे, है ना। फिर वीर गाला होते हैं, वीर गाला क्या होते हैं, ऐसे स्टोन के कुछ बने हुए होते हैं, उस पर जो शहीद हो जाते हैं आर्मी के लोग या सोल्जर्स, उनका फ़ोटो या उनका नाम वगैरह इस पर लिखा जाता है, जिसे वीर गाला कहते हैं। यहाँ पे वीर गाला का आपको इमेज दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही इनके फ़ोटोज़ बनाए गए हैं कुछ ग्रेट पर्सन्स के, तो इन्हें वीर गाला कहते हैं। फिर ये सब जो है ये मॉन्यूमेंट्स हैं, और साथ ही कुछ बिल्डिंग्स भी हैं, जैसे कि पैलेसेस, राजमहल, है ना, राजाओं के बड़े बड़े पैलेसेस हुआ करते थे। फिर मिनिस्टेरियल मैंशंस, मतलब मिनिस्टेरियल मतलब मंत्री लोगों के लिए, जो भी मिनिस्टर्स थे उनके अलग से मैंशंस हुआ करते थे, तो ये भी आ गए किस में, बिल्डिंग्स में। फिर क्वीन्स क्वार्टर, जो रानी है, क्यों क्वीन है, उसके लिए अलग से कई बार रानी महल बनाया जाता था, तो वो हो गया क्वीन क्वार्टर, या उसको रानी वास भी कहते थे, रानी का निवास, निवास यानी रहने की जगह, दैट इज़ रानी वास। एंड ऑल्सो हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल, और जो कॉमन पीपल के हाउसेस हैं वो भी आ गए मॉन्यूमेंट्स में। तो ये मटेरियल सोर्सेस हम पढ़ रहे हैं, मटेरियल सोर्सेस में हमने एक टाइप देखा मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। पहले तो हमने देखा फोर्ट्स, फोर्ट्स आ गए मटेरियल सोर्सेस में, फोर्ट्स के टाइप देखे। दूसरा हम देख रहे हैं मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या आता है, समाधिज आती है मतलब टेम्पल्स, ग्रेव्स आते हैं मतलब कबर, वीर गाला आते हैं मतलब स्टोन के पिलर्स। फिर बिल्डिंग्स भी आती हैं, जैसे पैलेस हो गए, मिनिस्टेरियल मैंशंस, क्वीन क्वार्टर्स, ये सब आते हैं मॉन्यूमेंट्स में। फिर दे ऑल प्रोवाइड इनसाइट अबाउट दैट पीरियड, ये सब जो है मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, ये सब उस पीरियड की इनसाइट्स देते हैं, मतलब उस पीरियड के बारे में हमें नॉलेज देते हैं। लुकिंग एट देम वी कम टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, द इकोनॉमिक कंडीशंस, द क्वालिटी ऑफ आर्ट, स्टाइल ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो इन सब को देख कर हमें क्या क्या पता चल जाता है, जो भी फोर्ट्स है, जो भी बिल्डिंग्स है, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, इन्हें देखकर हमें पता चलता है कि उस टाइम पे आर्किटेक्चर कैसा था। आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग्स को बनाने का जो तरीका होता है, जो सुंदरता होती है, उसे आर्किटेक्चर कहते हैं। तो आर्किटेक्चर उस टाइम पे कैसा था वो हम देख सकते हैं। फिर इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी उस टाइम पे, इकोनॉमी मतलब पैसे से रिलेटेड कंडीशंस। फिर आर्ट की क्वालिटी किस तरह थी, आज का आर्ट जो हम बनाते हैं आर्किटेक्चर या जो भी पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, वो आज का बेटर है या उस टाइम का, तो उस टाइम के बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हमें मिले हैं जो कि दीवारों पर बनाए गए हैं। स्टाइल ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिल्डिंग्स किस तरह से बनाई जा रही है, किस तरह कंस्ट्रक्ट की जा रही है, साथ ही लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग किस तरह से रहते थे, ये भी हमें सारी जानकारी मिलती है मटेरियल सोर्सेस थे सोर्सेस से। अब जो मटेरियल सोर्सेस हैं उनमें क्या क्या आता है, सबसे पहली बात जो मटेरियल सोर्सेस हैं उनको फिजिकल सोर्सेस भी कहा जाता है, क्योंकि हम उन्हें टच कर सकते हैं। तो मटेरियल सोर्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल सोर्सेस। अब मटेरियल सोर्सेस में हम क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हमने पढ़ा फोर्ट्स, फोर्ट्स हम पढ़ते हैं, हमने देखा टाइप ऑफ फोर्ट्स भी होते हैं अलग अलग। फिर हम मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर मेमोरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, मेमोरियल मतलब ऐसी प्लेसेस जो किसी की मेमोरी में बनाई गई हैं, जैसे ताजमहल, वो किसी की मेमोरी में बनाया गया था, जो मुमताज़ महल है उनकी मेमोरी में बनाया गया, तो वो एक मेमोरियल हो गया। रेड फोर्ट, वो किसी की मेमोरी में अगर बनाया जाता तो वो भी क्या होता, मेमोरियल। फिर केव स्कल्पचर्स, केव में जो भी स्कल्पचर्स दिखते हैं आपको, केव में जो भी डिज़ाइंस वगैरह दिखती हैं, वो आ गया केव स्कल्पचर में, जैसे अजंता एलोरा है महाराष्ट्र में, ठीक है, वो केव स्कल्पचर है। फिर इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मतलब क्या होता है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है मैन्यूस्क्रिप्ट और एक होता है इंस्क्रिप्शन। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ लिखी हुई मिलती है, जैसे बुक्स पे लिखा हुआ मिलता है ना, तो वो हो गया मैन्यूस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ होता है लेकिन ये एक्चुअली लिखा नहीं होता, ये कुरेदा हुआ होता है, जैसे कोई स्टोन का पिलर है उस पर कुरेद कुरेद के कुछ लिखा गया है, या फिर कोई ट्री का बार्क है उस पर भी कुरेद के हमने कुछ लिखा है, उसको क्या कहेंगे, इंस्क्रिप्शन।
तो हमें फिज़िकल सोर्सेज जो हैं उसमें हम इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ते हैं, पुराने टाइम के जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जैसे अशोका के टाइम पे बहुत सारे रॉक इंस्क्रिप्शंस मिले थे, रॉक पे उन्होंने बहुत कुछ कुरेद कुरेद के लिखा था और उसको हर जगह पे रख दिया था ताकि बुद्धिज़्म को वो स्प्रेड कर सके। फिर कॉइन्स की स्टडी हम करते हैं, जो पुराने टाइम के कॉइन्स हैं वो भी किस में आ गए, मटेरियल सोर्स में। साथ ही कॉपर की जो प्लेट्स हैं वो भी आती है मटेरियल सोर्स में। पहले कॉपर की प्लेट्स को यूज़ किया जाता था इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, लाइक एक राजा है उसको दूसरे राजा को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो कॉपर की प्लेट्स पे वो सब लिख लिख के फिर उनको भेजते थे लेटर के जैसे, ठीक है। तो ये सारे जो है ये है मटेरियल सोर्सेस या फिजिकल सोर्सेस। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डू कॉइन्स नरेट हिस्ट्री। अब जो कॉइन्स हैं हमें पता है कॉइन्स क्या है, मटेरियल सोर्सेज है, लेकिन कॉइन्स से हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है, कॉइन्स हमें हिस्ट्री कैसे बताते हैं। तो एक एग्जांपल देते हैं हम कि हमने एक टाइप के कॉइन्स है, ठीक है। तो एंशियंट टाइम जो था उसमें कॉइन्स इस तरह बनाए जाते थे कि कॉइन के एक साइड पे तो क्या होता था, गॉड का फोटो होता था, जिस भी गॉड को जिस भी डाइटी को वो मानते हैं उसका फोटो, और दूसरे साइड पे राजा का फोटो होता था यानी किंग का फोटो होता था, साथ ही किंग का नीचे नाम लिखा हुआ होता था, ठीक है। तो अगर हमें उस टाइम का कोई कॉइन मिलता है और उस में हम क्या देखेंगे, हम किंग को देखेंगे कि किंग का जो नाम है वो क्या लिखा हुआ है, साथ ही किंग कौन था ये हमें पता चल जाएगा, और उन वो किस गॉड को मानते थे ये भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में हमें पता चल गया किसको देखकर, कॉइन को देखकर। साथ ही जो कॉइन है वो किस चीज़ से बना हुआ है ये हम देखेंगे, अगर मान लीजिए कॉइन जो है वो कॉपर से बना हुआ है तो हमें क्या पता चल सकता है कि उस टाइम पे कॉपर मिलता था और ये लोग कॉपर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो इस तरह से कॉइन को देखकर हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। सिंस एंशियंट टाइम्स कॉइन्स लाइक कवड़ी, दमड़ी, ढेला, पाई, पैसा, आना एंड रुपी वेयर यूज्ड, सम लोकल आइटम्स और प्रोवर्ब्स आर बेस्ड ऑन कॉइन्स। अब एंशियंट टाइम्स में जैसे आज हम यूज़ करते हैं क्या, रुपीज़ यूज़ करते हैं, फिर 100 रुपीज़, फिर हम क्या करते हैं 1000 यूज़ करते हैं, फिर लाख यूज़ करते हैं, फिर करोड़ यूज़ करते हैं, मिलियन यूज़ करते हैं, बिलियन यूज़ करते हैं ना। तो वैसे ही एंशियंट टाइम्स में कॉइन्स कैसे यूज़ करते थे, ऐसे कवड़ी, दमड़ी, ढेला, पाई, पैसा, आना है ना, और रुपी, ये यूज़ करते थे ये लोग एंशियंट टाइम्स में। इसकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, लाइक 1 रुपी जो है, 1 रुपीज़ जो है वो इक्वल होता है 100 पैसा को, ये तो हमें पता है 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, है ना। और जो 1 रुपी है वो अगेन 1/60th ऑफ आना होता है, सॉरी 1 आना जो है वो होता है 1/60 ऑफ रुपी, यानी 1 रुपी को अगर आप 60 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दोगे तो बनेगा 1 आना। तो ऐसे ही दमड़ी, ढेला, पाई, पैसा, ये आप लोग देख सकते हो कि कितना कितना होता है ये 1 रुपी के हिसाब से। फिर देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रोवर्ब्स दिए गए हैं जो यूज़ किए जाते थे, 1 फुट की कौड़ी देना नहीं, यहाँ पे 1 फुट की कौड़ी मीन्स द लोएस्ट बिट ऑफ मनी, जो कौड़ी था ना कहाँ गया, ये रहा, ये सबसे छोटा माना जाता था। आज के टाइम पे सबसे छोटा क्या होता है, 1 रुपीज़ है ना, ये सबसे छोटा है, और जो 50 पैसा होता है, 10 पैसा होता है, ये तो आजकल चलता नहीं है, तो 1 रुपीज़ हमारा सबसे छोटा करेंसी है। वैसे ही उस टाइम का छोटा करेंसी क्या था, कौड़ी। तो यहाँ पे बोला है 1 फुट की कौड़ी देना नहीं है, कुछ लोग हैं जो नॉर्मल लोकल लाइफ में यूज़ किया करते थे, आज भी कहते हैं कि तुला 1 फुट की कौड़ी पन भी देना नहीं, ऐसा कहीं तरी मानता था हमें मराठीत, ठीक है। फिर 16 आना सच, ये एक कहावत है कि अगर कोई चीज़ किसी ने कह दी और हमें बहुत ही सही लगी तो हम कहते हैं एकदम 16 आना सच बात तूने कही है ना, मतलब 100% ट्रू तूने कहा है, तो यहाँ पे आना का यूज़ हुआ। तो ऐसे ये जो सारी चीज़ें थी इनका प्रोवर्ब्स में यूज़ होता था। द कॉइन्स मेड बाय डिफरेंट रूलर्स यूजिंग मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, यहाँ पे हम मिडिवल टाइम की बात करें तो मिडिवल टाइम में भी क्या होता था, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर का यूज़ करके कॉइन्स बनाए जाते थे, और उन्हीं कॉइन्स को स्टडी करके हमें हिस्ट्री का नॉलेज मिलता है। फ्रॉम दिस कॉइन्स वी लर्न अबाउट द रूलर्स, देयर पीरियड, गवर्नेंस, रिलीजियस आइडियाज़। तो कॉइन्स से ही हमें क्या क्या पता चलता है कि रूलर्स कौन कौन थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉइन्स में रूलर का यानी किंग का फोटो होता था। फिर उनका पीरियड कहाँ से कहाँ तक था कई बार वो भी कॉइन्स में लिखा जाता था,
फिर गवर्नेंस, उस टाइम पे गवर्नेंस यानी पॉलिटिक्स कैसा था उस टाइम पे, रिलीजियस आइडियाज, क्योंकि गॉड का फोटो था कॉइन पे, तो वो कौन से गॉड को मानते थे, उनके रिलीजियस आइडियाज कैसे थे, ये हम देख सकते हैं कॉइन्स की मदद से। पर्सनल डिटेल्स के बारे में भी जान सकते हैं हम कॉइन्स का यूज़ करके कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो समुद्रगुप्त थे उनका वीणा बजाते हुए कॉइन में फोटो था, तो ये पर्सनल डिटेल हो गया कि उनको क्या हॉबी थी। सिमिलरली वी ऑल्सो लर्न अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। तो ऐसे ही उस टाइम के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैसे होते थे, मतलब उस टाइम पे फ़ोन पे और गूगल पे तो था नहीं कि वो लोग एक चुटकी में ट्रांसफ़र कर देंगे पैसे, है ना, तो उस टाइम पे कोई सिस्टम होगा ट्रांसफ़र करने का, तो वहाँ पे दूत होते थे, राजदूत जिन्हें हम कहते हैं, उनकी मदद से ये लोग ट्रांसफ़र करते थे पैसे। इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, इकोनॉमिक कंडीशंस उस टाइम पे कैसी थी, ये भी हम स्टडी कर सकते हैं कॉइन्स का या मटेरियल सोर्सेज का यूज़ करके। वी ऑल्सो सी हाउ फार मेटलर्जी हैड एडवांस्ड इन दिस पीरियड। मेटलर्जी मतलब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, है ना, क्योंकि उस टाइम पे हमें कॉपर के कॉइन्स मिले, एल्यूमिनियम की चीज़ें मिली, सिल्वर के कॉइन्स मिले, गोल्ड की प्लेट्स मिली हैं, तो ये सब से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे मेटल डेवलप था। देखिए, ज़मीन में जब हमें मेटल्स कहाँ से मिलते हैं, ज़मीन से मिलते हैं, ठीक है, तो ज़मीन से जब हम मेटल निकालते हैं तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, वो इम्प्योर होता है, तो इम्प्योर जो होता है उसे हम कहते हैं ओर, और इस ओर को जब हम बाहर निकालते हैं, इस पर थोड़ा सा प्रोसेस होता है, तो ये फाइनली अच्छा खासा साफ सुथरा मेटल बन जाता है, फिर हम उसे कहते हैं मेटल है। जैसे कॉपर नहीं, एल्यूमिनियम निकालना है तो एल्यूमिनियम का जो है ज़मीन से निकाला जाता है, तो उसे बॉक्साइट कहते हैं, तो बॉक्साइट क्या हो गया, एक ओर हो गया एल्यूमिनियम का, इसको जब बाहर निकालेंगे उस पर प्रोसेस करेंगे तो बॉक्साइट से क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ओर से मेटल बनाने की, इसी को कहा जाता है मेटलर्जी, साइंस में आप लोग पढ़ोगे ये। तो मेटलर्जी भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी उस टाइम पे, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली ओर्स के नहीं बल्कि इन्होंने मेटल्स के प्लेट्स बनाए थे। फ्रॉम द इमेजेस ऑफ राम सीता ऑन द कॉइन्स ऑफ एम्परर अकबर और शिवा पार्वती ऑन द कॉइन्स ऑफ हैदर अली वी सी द रिलीजियस कोऑर्डिनेशन ऑफ दोस डेज। तो हमें कुछ कॉइन्स मिले हैं जिन पर राम सीता के इमेजेस थे, और ये कॉइन्स अकबर के टाइम के थे, साथ ही जो हैदर अली थे इनके टाइम पे हमें शिवा पार्वती वाले इमेज वाले कॉइन्स मिले हैं। द पेशवास यूज द अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज ऑन देयर कॉइन्स, दिस थ्रोस लाइट ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन दैट पीरियड। अब जो पेशवा होते थे, पेशवा बाजीराव आपने मूवी देखी होगी, ठीक है, तो मराठा एम्पायर भी हम पढ़ेंगे आगे, तो जो पेशवा लोग होते थे वो लोग क्या करते थे, अपना कॉइन्स पे वो लोग पर्शियन लैंग्वेज में या अरेबिक लैंग्वेज में कुछ कुछ लिखा करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे जब पेशवाओं का रूल था उस टाइम पे ये लोग अरेबिक लैंग्वेज या पर्शियन लैंग्वेज यूज़ करते थे। फिर एन इंस्क्रिप्शन इज अ कार्विंग ऑन अ स्टोन अ वॉल एक्सेट्रा। यहाँ पे मैंने आपको बताया दो चीज़ें होती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन, मैन्यूस्क्रिप्ट तो वो होता है जो लिखा हुआ होता है, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ होता है इंक वगैरह का यूज़ करके। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो कार्व्ड किया होता है, यानी कि कुरेद कुरेद कर लिखा होता है। तो इंस्क्रिप्शन इज अ कार्विंग, किस पे कार्व करेंगे, स्टोन पे, दीवार पे, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन द बृहदेश्वरा टेम्पल प्रिमाइसेस इन तंजावुर। तो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं तंजावुर से, तंजावुर जो है एक प्लेस है जो कि फेमस है इस टेम्पल के लिए, बृहदेश्वरा टेम्पल के लिए। तंजावुर जो है वो तमिलनाडु में एक प्लेस है इंडिया में, और ये बृहदेश्वरा टेम्पल के लिए फेमस है, और बृहदेश्वरा टेम्पल जो है उसके प्रिमाइसेस से, उसके आंगन से हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ऐसे ही, जिस पे काव करके लिखा गया था। मैनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पीरियड ऑफ चालुक्य। ओके, यहाँ पे कॉइन्स का आपको फोटो दिया है, पेशवा पीरियड में कॉइन्स है अरेबिक लैंग्वेज में, ये कुछ यहाँ पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हैदर अली के कुछ कॉइन्स है जिसमें हमने देखा शिवा पार्वती का इमेज था, तो ये रहा वो, ठीक है। फिर मैनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पीरियड ऑफ चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोला एंड यादव किंग्स हैव बीन फाउंड। कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं अलग अलग डायनेस्टी से, जैसे राष्ट्रकूट डायनेस्टी से, चोला डायनेस्टी से, यादव डायनेस्टी से, जिसको स्टडी करके हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। एन इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इंस्क्रिप्शन जो है उसको बहुत ही रिलायबल सोर्स माना जाता है और इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है हिस्ट्री का, क्योंकि इंस्क्रिप्शन को अगर हम पढ़ेंगे
तो वो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वो राइट ही होगा, है ना, क्योंकि कोई फालतू फालतू तो काफ करके लिखेगा नहीं। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टूड फीचर्स लाइक द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, सोशल लाइफ ऑफ पीरियड। तो हमें इंस्क्रिप्शंस की मदद से लैंग्वेज के बारे में पता चलता है, स्क्रिप्ट के बारे में पता चलता है और सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है। लैंग्वेज यानी जो हम बोल रहे हैं, जैसे आई एम टॉकिंग, जैसे मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, ठीक है, तो हिंदी में जो बात कर रही हूँ मैं, वो लैंग्वेज हो गई। लेकिन जो हम हिंदी ऐसे ऐसे लिखते हैं, तो ये वाली जो हिंदी है वो है, इसकी स्क्रिप्ट क्या है, वो है देवनागरी स्क्रिप्ट, है ना। फिर हम इंग्लिश बोलते हैं, तो मैंने इंग्लिश में लिखा ENGLISH, तो ये तो लैंग्वेज, इफ़ आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश देन इट विल बी इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन जब मैं इंग्लिश लिख रही हूँ तो ये जो लेटर्स मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक स्क्रिप्ट में होते हैं। कौन सी स्क्रिप्ट में है, ये रोमन स्क्रिप्ट है इसकी। वैसे ही उनकी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बारे में हमें पता चलता है। इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन शीट्स ऑफ कॉपर आर नोन एज कॉपर प्लेट्स, रॉयल एडिक्ट्स, वर्डिक्ट्स एक्सेट्रा आर इंस्क्राइब्ड ऑन कॉपर प्लेट्स। अब जो इंस्क्रिप्शंस कॉपर की शीट्स पर कार्व किए गए हैं उनको कॉपर प्लेट्स कहा जाता है, ठीक है। कॉपर की शीट्स होती हैं, उस पर अगर कुछ कार्विंग करके लिखा गया तो उन्हें हम कहते हैं कॉपर प्लेट्स। फिर कॉपर प्लेट्स पर लिखा क्या जाता था, एक्चुअल में वो रॉयल एडिक्ट्स और वर्डिक्ट्स होते थे। रॉयल एडिक्ट्स मतलब रॉयल ऑर्डर्स, राजा को अगर कुछ ऑर्डर देना है प्रजा को तो वो कॉपर की प्लेट्स पर लिख देते थे और उसको जगह जगह पर लगा देते थे। और वर्डिक्स मतलब उनके जो भी एडवाइजेस वगैरह हैं या ऑर्डर्स में ही आते हैं ये भी, वो सब जो है वो किस पर लिखेंगे, कॉपर प्लेट्स पे। फिर देखते हैं मटेरियल सोर्सेस। यहाँ पे आपको सारे मटेरियल सोर्सेस बताए गए हैं कि मटेरियल सोर्सेस में क्या क्या आता है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे चैत्यास है, विहारास है, टेम्पल्स है। चैत्यास क्या होते हैं, चैत्यास आर लाइक प्रेयर हॉल, ठीक है। जो बड़े बड़े प्रेयर हॉल होते थे उनको चैत्यास कहते थे। विहारास क्या होते हैं, जहाँ पे जो क्राइस्ट हैं या फिर बुद्धिस्ट मॉन्ग्स हैं, जो भी साधु संत हैं, वो यहाँ पे रहते थे। तो ये रहने के, जहाँ पे वो रहते थे उनको कहा जाता था विहारास, और जहाँ पे वो प्रेयर करते हैं, टेम्पल्स जो होते हैं उनके, उनको कहा जाता है चैत्यास। अब ये चैत्यास दो चीज़ों के लिए यूज़ हुआ करते थे, एक तो प्रेयर करने के लिए, ठीक है, और दूसरा चैत्य का क्या यूज़ था, यहाँ पे वो लोग रिलीजन से रिलेटेड डिस्कशन करते थे। जो भी रिलीजन से रिलेटेड है उसका डिस्कशन यहाँ पे होता था। फिर टेम्पल्स भी हमें मिले, ये भी मटेरियल सोर्सेज है। चर्चेस मटेरियल सोर्सेज है, मॉस्क्यू यानी मस्जिद, अग्यारीज यानी जो पारसी लोग होते हैं उनके टेम्पल को कहा जाता है अग्यारीज, जैसे पंजाबी लोगों के टेम्पल को कहा जाता है गुरुद्वारा, क्रिश्चियन के टेम्पल को कहेंगे चर्च, वैसे ही पारसी के टेम्पल को कहा जाता है अग्यारीज। फिर दुर्गाज यानी फोर्ट्स, फोर्ट जो हमने पढ़े अभी वो दुर्गा में, दुर्ग में आते हैं। फिर मकबराज, जैसे बीवी का मकबरा है, है ना, मकबरा इज लाइक जो समाधि नहीं, जो हमने ग्रेव्स पढ़े उसके जैसा होता है ये। फिर गुरुद्वारास तो आपको पता है, मॉन्यूमेंट्स हमने पढ़े, मॉन्यूमेंट्स अलग अलग टाइप के बिल्डिंग्स वगैरह, राजमहल, ये सब आ गए मॉन्यूमेंट्स में। स्कल्पचर्स मतलब क्या होता है, स्कल्पचर्स मतलब होता है जो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं वो होते हैं स्कल्पचर्स। फिर वेल्स मिले हैं पिछले टाइम, पुराने टाइम के, तो वो जो वेल्स हैं वो भी आ गए हिस्ट्री में। मिनारेट्स यानी मीनारें होती हैं बड़ी बड़ी दीवार जैसी, वो भी आ गए मटेरियल सोर्सेज में। विलेज बाउंड्रीज एंड गेट्स, विलेज होते हैं उनके आसपास में बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी, तो वो है विलेज बाउंड्रीज। क्यों बनाई जाती थी, प्रोटेक्शन के लिए। या विलेज के जो गेट्स हैं वो भी आ गए किसमें, मटेरियल सोर्सेज में। फिर वेपन्स यानी हथियार, यूटेंसिल्स यानी जो भी बर्तन वगैरह हैं, ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी, क्लोथ्स यानी कपड़े, डेकोरेटिव आर्टिकल्स, डेकोरेशन के लिए कुछ आर्टिकल्स यूज़ करते थे वो। फिर टॉयज है, खिलौने, इम्प्लीमेंट्स यानी वही जो टूल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, लाइक मैकेनिक वगैरह, स्क्रू ड्राइवर वगैरह, ये सब टूल्स हो गए, है ना। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उस टाइम पे थे बहुत ज़्यादा फेमस, लाइक वीणा वगैरह वो लोग बजाते थे। ये सब क्या है, ये सब है मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो इन सब को स्टडी करके हमें एंशियंट टाइम्स की या मिडिवल टाइम्स की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा मटेरियल सोर्सेस, आगे हमें पढ़ना है रिटन सोर्सेस, और फिर हमें पढ़ना है ओरल सोर्सेस। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं रिटन सोर्सेस। रिटन सोर्सेस में क्या आएगा,
आप लोग सोच के देखिए, रिटर्न सोर्सेज में वो सारी चीज़ें आएंगी जो कि रिटर्न फॉर्म में है, जो लिखित है। ठीक है, शुरू करते हैं। रिटर्न सोर्सेज, वी लर्न अबाउट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द मिडिवल पीरियड फ्रॉम सोर्सेज लाइक राइटिंग स्टाइल्स ऑफ स्क्रिप्ट्स लाइक देवनागरी, अरेबिक, पर्शियन, मोदी एक्सेट्रा, एज ऑल्सो फ्रॉम द वेराइटी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, भोजपत्रा, रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट, ट्रीटीज, एडिक्ट, स्ट्रिक्रीज, बायोग्राफीज, पेंटिंग्स एक्सेट्रा। तो हमें जो भी हिस्ट्री में इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में कैसे पता चलता है, हम यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिडिवल हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो मेनली रिटर्न सोर्सेज को देखते हुए। अब रिटर्न सोर्सेज में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि राइटिंग स्टाइल्स, स्टाइल्स जो है उनके, राइटिंग जो है उनकी अलग अलग स्क्रिप्ट्स होती हैं। यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स दी हुई हैं, जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट है, अरेबिक स्क्रिप्ट है, पर्शियन स्क्रिप्ट है, मोदी स्क्रिप्ट है एक्सेट्रा। देवनागरी जो है वो हमारी हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट क्या होती है, लिखने का स्टाइल है। जैसे मैंने ऐसा लिखा, समथिंग ऐसा कुछ भी वर्ड लिखा, तो ये जो स्क्रिप्ट है ये हमारी हिंदी लैंग्वेज है, इसलिए ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। अगर मैं इंग्लिश में लिखती हूँ इसको, जैसे WRITEN, तो ये वाली जो स्क्रिप्ट है ये इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट क्या है, रोमन स्क्रिप्ट है। वैसे ही अलग अलग लैंग्वेजेस, आपने तमिल में कुछ ऐसा ऐसा देखा होगा, कुछ भी लिखा होता है ना, तो वो जो स्क्रिप्ट है वो अलग स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट, अरेबिक स्क्रिप्ट यानी अरेबिया की जो लैंग्वेज है वहाँ की स्क्रिप्ट है ये, पर्शियन स्क्रिप्ट पर्शिया की लैंग्वेज है, मोदी स्क्रिप्ट यानी जो मराठी लैंग्वेज है उसकी स्क्रिप्ट को मोदी स्क्रिप्ट कहते हैं। एज ऑल्सो फॉर्म द वेराइटीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो ये जो स्क्रिप्ट है इनकी लैंग्वेजेस भी अलग अलग हैं। लाइक देवनागरी स्क्रिप्ट की लैंग्वेज क्या है, हिंदी लैंग्वेज है ना, मोदी स्क्रिप्ट की लैंग्वेज क्या है, मराठी लैंग्वेज। फिर भोजपत्रास, रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट, ट्रीटीज, एडिक्स, डिक्रीज, बायोग्राफीज, पेंटिंग्स एक्सेट्रा। तो ये सारे भी रिटर्न सोर्सेज में आते हैं। पहला तो है भोजपत्रास, मतलब जो बर्च ट्री होती है, एक ट्री होती है जिसका नाम है बर्च ट्री, उसकी बार्क को तोड़कर उसके इनर साइड पे कुछ कुछ लिखते हैं, तो ये जो है उसको कहा जाता है भोजपत्रास। ये मेनली एंशियंट टाइम्स में या मिडिवल टाइम्स में यूज़ किया जाता था, और लाइक हम लेटर्स लिखते हैं तो उनके टाइम पे ऐसे बर्च ट्री पर लिखकर वो लोग सेंड करते थे, तो उसको भोजपत्रास कहते हैं। फिर रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स, रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब ऐसा ही कोई भोजपत्र होता था, उस पर कुछ रिलीजन से रिलेटेड लिखते हैं वो लोग, उसको रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। फिर ट्रीटीज, ट्रीटीज क्या होता है, अगर दो किंग्स हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज हैं और वहाँ के दो किंग्स हैं, तो ये किंग्स क्या करते हैं, आपस में फ्रेंडशिप अगर कर लेते हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने डिसाइड कर लिया आपस में, तो ये लोग क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट बनाएंगे और उस पर साइन करेंगे, तो ये जो है उसको ट्रीटी कहा जाता है। उन्होंने आपस में ट्रीटी कर ली, यानी कोई भी एक डिसीजन ले लिया साथ मिलकर, तो उसको ट्रीटी बोलते हैं। फिर एडिक्ट्स, एडिक्ट्स मतलब कोई रॉक है, रॉक पे कुछ ये लोग लिखते हैं, लिखकर फिर ये लोग रॉक को कंट्री के अलग अलग प्लेसेस में लगा देते हैं, मोस्टली हाईवेज पे ये लोग लगाते थे ताकि सारे लोग उसको पढ़ सके। अब ये एडिक्ट्स में कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई ऑर्डर लिखा है, कोई एडवाइस लिखी है, कोई गुड थॉट लिखा है ना। फिर डिक्रीज क्या होते हैं, डिक्रीज मतलब लाइक कोई राजा है, उसको अपने एम्पायर में कोई ऑर्डर देना है, ठीक है, तो वो उसको डिक्री कहा जाता है, मतलब राजा का कोई ऑर्डर। फिर बायोग्राफीज, अलग अलग किंग्स की बायोग्राफी बुक्स अवेलेबल हैं, लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज है तो उनकी बहुत सारी बायोग्राफी बुक्स अवेलेबल हैं। ऐसे ही जो अलग एम्परर्स थे, लाइक अशोका हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, इनके भी बायोग्राफीज अवेलेबल है। गुप्ता एम्पायर के जो किंग्स हैं उनकी भी बायोग्राफीज अवेलेबल है। बायोग्राफी मतलब उनके पूरे लाइफ की स्टोरी, मतलब उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किया, क्या क्या अचीवमेंट्स की और कहाँ कहाँ वो फेल हो गए, ये सब आता है बायोग्राफीज में। फिर पेंटिंग्स, यानी पेंटिंग्स जो भी केव्स में बनाई जाती थी, रॉक्स पे भी बनाई जाती थी, वो सारी उसमें भी नीचे उनके नाम वगैरह लिखे होते थे, तो वो भी आ गए रिटर्न सोर्सेस में। वी कैन गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फूड आइटम्स, अटायर, कन्वेंशंस एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ पीपल, फेस्टिवल्स एंड अबाउट पीपल्स लाइफ एक्सेट्रा फ्रॉम दीज सोर्सेज। तो इन सारे सोर्सेज को, यानी रिटर्न सोर्सेज को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या पता चलेगा, सबसे पहले तो उनके फूड आइटम्स, वो लोग क्या खाते थे, क्या खाना पसंद करते थे, है ना, ये हमें पता चलेगा। फिर उनका अटायर, अटायर मीन्स उनका कॉस्ट्यूम, पोशाक, कैसे वो कपड़े पहनते थे, ये सब आ गया अटायर में। फिर कन्वेंशंस और रूल्स क्या थे उनके,
पीपल के कंडक्ट के। कंडक्ट ऑफ पीपल मतलब बिहेवियर ऑफ पीपल, कि लोग कैसे रहना पसंद करते थे, उनके क्या रूल्स थे। लाइक किसी की मैरिज है तो वो कैसे किया करते थे, किसी की डेथ हो गई तो वो कैसे, उसको क्या उनके रूल्स थे, ये सब भी हमें पता चलता है रिटन सोर्सेज से। फिर फेस्टिवल्स के बारे में पता चलता है, वो किस टाइप के फेस्टिवल्स मनाते थे, साथ ही उनकी लाइफ के बारे में हमें पता चलता है। सोर्सेज ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड एज रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और इन्हीं टाइप के सोर्सेज को हम क्या कहते हैं, रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब रिटन सोर्सेज में बहुत सारे सोर्सेज आते हैं, कौन कौन से, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको रिटन सोर्सेज के। पहला तो है डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रिसीडिंग इन द कोर्ट्स ऑफ किंग, किंग के कोर्ट में। कोर्ट ऑफ किंग मतलब क्या, लाइक बीच में राजा बैठता था और साइड में उसके पूरे जो भी मेंबर्स थे वो बैठते थे, ठीक है। तो इसको बोला जाता था कोर्ट ऑफ किंग, और बैठ के क्या करते थे, भजन कीर्तन नहीं करते थे, बैठ के वो लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ किंग में जो भी प्रोसीडिंग होती थी ना, उसका डॉक्यूमेंट्स पे वो लोग लिखते जाते थे। कोई किंग है, उसने डिसाइड किया कोर्ट में, अपने कोर्ट में उसने डिसाइड किया कि मुझे जो साइड वाली कंट्री है उसके साथ फ्रेंडशिप करनी है, तो वो क्या करेंगे, एक पेपर पे लिख के रखेंगे। फिर उसका सेकंड सेशन हुआ, सेकंड सेशन में कुछ और डिसाइड किया, तो ऐसे पूरे वो लिख के रखते थे, तो उसको प्रोसीडिंग्स कहते थे कि उन्होंने क्या फैसले लिए, उसके भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए। तो उनको पढ़ के हमें पता चलता है कि उस टाइम पे कैसे वो लोग प्रोसीडिंग करते थे कोर्ट्स में। तो ये रिटर्न सोर्सेस है, ठीक है। फिर जीनियोलॉजीज और शाकावली। जीनियोलॉजीज मतलब क्या हो गया, कोई एक एम्पायर ले लीजिए, मैं लेती हूँ मराठा एम्पायर। अब मराठा एम्पायर में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कौन कौन से राजा महाराजा होके गए, कौन कौन से किंग आए, किंग वन, किंग टू, किंग थ्री, किंग फोर, है ना। तो ये सारे लाइन से पढ़ना, इसको कहा जाता है जीनियोलॉजी। तो जीनियोलॉजी क्या होता है, अलग अलग बुक होती है जिसमें अलग अलग फैमिलीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक कोई फैमिली है जैसे मराठा एम्पायर हो गया, है ना, तो उसकी जीनियोलॉजी पढ़ना मतलब क्या, उसके पूर्वजों के बारे में, उसके एंसेस्टर्स के बारे में लाइन वाइज पढ़ना। फिर शाकावली, शाकावली मेनली बुक्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग बुक्स हैं, और इन बुक्स में क्या दिया जाता था, अलग अलग जो किंग्स हैं उनकी बर्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कि उनकी बर्थ कौन से टाइम पे हुए, कौन सी तिथि पे हुई, कौन से पक्ष में हुई, ये सब शाकावलीज में दिया जाता था, ठीक है। तो अलग अलग बहुत सारी आपको शाकावलीज मिल जाएंगी। नेक्स्ट है करस्पॉन्डेंस एंड डिस्पैचेस। करस्पॉन्डेंस क्या होता है, पत्र व्यवहार, मतलब लेटर्स लिखना। अब एंशियंट टाइम्स में या मिडिवल टाइम्स में अगर दो कंट्रीज़ के बीच में बात करनी है तो वो लोग कैसे बात करेंगे, फ़ोन तो लगाएंगे नहीं क्योंकि फ़ोन तो था ही नहीं, है ना, ईमेल भी नहीं भेज सकते। तो ये लोग क्या करते थे, लेटर्स लिखा करते थे एक दूसरे को, कोई किंग है उसको दूसरे किंग को लेटर लिखना है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है करस्पॉन्डेंस यानी लेटर राइटिंग। फिर डिस्पैचेस मतलब क्या, डिस्पैचेस मतलब अगर कंट्री में किसी एक पर्सन ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, चोरी वगैरह की, तो किंग क्या करेगा, इसको सज़ा सुनाएगा। तो वो सज़ा जो सुनाया जाता है उसको एक पेपर पे ये लोग लिखते थे, और उस पेपर को कहा जाता है डिस्पैचेस। मतलब डिस्पैचेस क्या हो गया, जो भी इनको सज़ा सुनानी है उसका एक लेटर, उसको कहा जाता है डिस्पैचेस। मोस्टली डिस्पैचेस जो थे, ये वर्ड यूज़ किया जाता था कोई अगर मृत्यु की सज़ा सुनानी है, लाइक फांसी देनी है किसी को, तो उसके लिए यूज़ किया जाता था ये डिस्पैचेस। फिर और क्या आता है रिटर्न सोर्सेस में, और आता है जुडिशियल वर्डिक्ट्स एंड ऑर्डर। जुडिशियल जहाँ पे भी वर्ड आया, इसका मतलब होता है कोर्ट, कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। लेकिन हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में यहाँ पे जुडिशियल का मतलब क्या होगा, किंग का कोर्ट, मतलब किंग से रिलेटेड, ठीक है। तो किंग के वर्डिक्ट्स और ऑर्डर, उसको कहते हैं जुडिशियल वर्डिक्ट्स या ऑर्डर। वर्डिक्ट्स मतलब कोई भी फैसले, कोई भी डिसीजंस। तो किंग जो भी डिसीजन लेता है या जो भी ऑर्डर देता है, वो क्या करता था, किंग उसको लिखता था कॉपर की प्लेट्स पे या स्टोन्स पे लिखेगा, ठीक है, उसको, या एडिक्ट्स पे लिखेगा उसको। ये कंट्री में हर जगह रास्तों पर ये लोग लगा देते थे ताकि जो कॉमन पीपल है वो इसको पढ़े और वैसे ही वो लोग उसको फॉलो करें ऑर्डर को। तो उन्हें कहा जाता था जुडिशियल वर्डिक्ट्स या जुडिशियल ऑर्डर्स। फिर है ट्रीटीज एंड बायोग्राफीज। ट्रीटीज मैंने आपको बताया क्या होता है, दो कंट्रीज है उनको आपस में फ्रेंडशिप करनी है, ठीक है, तो वो लोग साथ में बैठेंगे, कुछ डिसीजंस वगैरह लेंगे, एक एग्रीमेंट बनाएंगे, उस पर साइन करेंगे दोनों ही, और एक आपस में ट्रीटी कर लेंगे, ठीक है। ट्रीटी यानी दो कंट्रीज जब एक साथ बैठ के कुछ डिसीजन लेती है,
और एग्रीमेंट पे साइन करती है तो उसको ट्रीटी बोलते हैं। फिर बायोग्राफीज़ यानी लाइफ स्टोरी, अलग अलग किंग की बायोग्राफीज़ हमें मिलती हैं जो अलग अलग लोगों ने लिखी हैं, वो भी आ गया रिटर्न सोर्सेज में। फिर ट्रेवलॉग्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, जो भी फॉरेन से इंडिया में ट्रेवलर्स आए थे घूमने के लिए, वो सब एक बुक्स लिखते थे। लाइक फाहियान था, एक आया था, कहाँ से आया था ये, चाइना से आया था। फिर इब्न बतूता था, ये कहाँ से आया था, ये आई थिंक इटली से आया था। ठीक है, तो ये जो इंडिया में आते थे तो किंग्स क्या करते थे, इनको रहने के लिए फ्री में प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो फॉरेनर्स का बहुत ध्यान रखा जाता था। तो फॉरेनर्स क्या करते थे, एक बुक्स लिखते थे। बुक में क्या लिखते थे कि इन्होंने जहाँ जहाँ पे भी इंडिया में ट्रैवल किया, इंडिया कैसा था, वहाँ का किंग कैसा था, वहाँ के रास्ते वगैरह कैसे थे, वहाँ के लोग कैसे थे, तो ये सब ये अपनी बुक्स में लिखते थे। और ये जो बुक है जिसमें अपनी ट्रैवल का पूरा एक्सपीरियंस इन्होंने लिखा है, उस बुक को कहा जाता था ट्रैवलॉग। ठीक है, तो अलग अलग फॉरेनर्स जो आए उन्होंने अपने अपने ट्रैवलॉग्स लिखे, तो उनको पढ़कर भी हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, और वो भी किस में आ जाएंगे, रिटर्न सोर्सेज में। फिर आता है क्रॉनिकल्स या तवारीख। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं, क्रॉनिकल्स भी बुक्स हैं। अब ये क्रॉनिकल्स में क्या लिखा जाता है, तो क्रोनोलॉजी से, लाइक जब से मिडिवल हिस्ट्री शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, हमने देखा था 19th सेंचुरी बीसी से कब तक था ये, 18th सेंचुरी बीसी तक है ना, तो ये मिडिवल हो गया। तो 9th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक जो कुछ भी हुआ वो पूरा एक लाइन वाइज लिखना डेट के हिसाब से। ठीक है, उनको कहा जाता है क्रॉनिकल्स की 20th सेंचुरी में क्या हुआ, उसके 21st सेंचुरी में क्या हुआ, 22nd सेंचुरी में क्या हुआ, ये सब लिखा जाता है क्रॉनिकल्स में। या उसी को हिंदी में तवारीख कहते हैं, तवारीख को तारीख भी कहा जाता है। तारीख से आपको क्या समझता है, डेट्स है ना, हिंदी में कहते हैं तारीख क्या हुई है, तो तवारीख या तारीख ये भी क्रॉनिकल्स ही थे जिसमें डेट वाइज सब कुछ लिखा जाता था कि 1947 है तो इसमें इंडिपेंडेंस मिला, 1948 में क्या हुआ, फिर 1949 में क्या हुआ, ये सब लाइन वाइज लिखे जाते थे। तो ये सारे जो हैं ये रिटर्न सोर्सेस है। क्या क्या आ गया रिटर्न सोर्सेस में, तो ये जो 7-8 चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोसीडिंग इन द कोर्ट्स ऑफ किंग, किंग का जो कोर्ट था, किंग का जो महल था, उसमें ये लोग क्या क्या प्रोसीडिंग्स करते थे, क्या क्या डिसीजंस लेते थे। फिर जीनियोलॉजी मतलब किसी भी किंग के एंसेस्टर्स की स्टडी करना है ना, किसी भी फैमिली के एंसेस्टर्स की स्टडी करना, पूर्वजों की स्टडी करना, वो आ गया जीनियोलॉजी में। शाकावली मतलब बर्थ से रिलेटेड वो लोग लिखते थे, अलग अलग किंग के बर्थ कब हुए, कौन सी तिथि में हुए, कौन से पक्ष में हुए, वो हो गया शाकावली इसमें। फिर करस्पॉन्डेंस यानी पत्र व्यवहार, लेटर राइटिंग। डिस्पैचेस मतलब अगर उन्हें सज़ा देनी है तो वो भी वो लोग लेटर में लिखते थे कि आपको ये फांसी की सज़ा या जेल कैद की सज़ा सुनाई जाती है, तो वो हो गया डिस्पैचेस। जुडिशियल वर्डिक्स और ऑर्डर्स मतलब जो भी किंग फैसले ले रहा है या ऑर्डर्स दे रहा है, वो हो गया जुडिशियल वर्डिक्स। फिर ट्रीटीज़ मतलब दो कंट्रीज़ आपस में बैठकर कुछ फैसला ले रही हैं, तो उसे ट्रीटीज़ कहेंगे। बायोग्राफीज़ मतलब लाइफ स्टोरी ऑफ किंग। फिर ट्रैवल लॉग्स मतलब जो ट्रैवल करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं इंडिया में फॉरेनर्स, वो लोग अपने कुछ बुक्स लिखते थे इंडिया के बारे में, वो हो जाएगा उनका ट्रैवलॉग। फिर क्रॉनिकल्स या तवारीख मतलब क्या होता है कि डेट वाइज सब कुछ पढ़ना कि इस ईयर में क्या क्या हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर में क्या क्या हुआ, वो सब आ गया क्रॉनिकल्स या तवारीख में। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे ना तो रिटर्न फॉर्म में है, इसको लिखा गया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, रिटर्न सोर्सेस। फिर ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रैवलर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज केम टू इंडिया। अब आपको यही सब डिटेल में दिया गया है, जो हमने ऊपर रिटर्न सोर्सेस पढ़े वही आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो इस पीरियड में क्या हुआ कि ट्रैवलर्स जो थे वो अदर कंट्रीज से इंडिया में आए। क्यों आए इंडिया में, क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी थी, उनको इंडिया घूमना था है ना। जैसे हम लोगों का भी क्या विश होता है कि हम लोग दूसरी कंट्रीज घूमें, फॉरेन जाएं, वैसे उनको भी क्या था, क्यूरियोसिटी थी, उनकी विश थी इंडिया घूमने की, तो वो लोग इंडिया में आ गए। इंडिया में आके उन्होंने क्या किया, दे हैव रिटन ट्रैवल लॉग्स और अकाउंट्स ऑफ देयर ट्रैवल्स। तो उन्होंने अपने ट्रैवल्स पे जो भी उन्होंने किया, जो भी उन्होंने देखा, सब कुछ उन्होंने लिख दिया, और उन बुक्स को क्या कहा गया, ट्रैवलॉग्स। और कुछ ट्रैवलर्स जो थे जो बाहर से आए थे फॉरेनर्स, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे अल बिरूनी था, ये आया था ईरान से इंडिया में आया था घूमने के लिए। फिर इब्न बतूता था, ये इटली से आया था।
फिर निकालाओ मनुस्की था, ये जो था ये मोरक्को एक कंट्री है वहाँ से आया था। फिर बाबर्स बायोग्राफी श्री शिव भारत और द संस्कृत बायोग्राफी ऑफ शिवाजी महाराज कंपोज्ड बाय द पोएट परमानंद एज वेल एज वेरियस अदर बायोग्राफीज ऑफ डिफरेंट रूलर्स एंड देयर करस्पोंडेंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स ऑफ द रूलर्स एंड देयर डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अदर्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो बाबर था किंग था ये है ना, तो बाबर की बायोग्राफी का नाम है श्री शिव भारत। अब ये जो श्री शिव भारत है ये इसकी बायोग्राफी है किंग बाबर की। तो ये जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि बाबर जो था उस ना वो कैसा था, उस वो अपने प्रजा के लिए या अपने एम्पायर के लिए वो क्या क्या करता था है ना, इसके बारे में पूरी उसकी लाइफ स्टोरी के बारे में हमें पता चल जाएगा। फिर शिवाजी महाराज जो हैं उनकी भी एक संस्कृत में बायोग्राफी लिखी गई थी जो कि लिखी थी परमानंद ने, ठीक है। परमानंद एक पोएट का नाम है, इन्होंने क्या किया शिवाजी महाराज की बायोग्राफी लिखी, नाम दिया उसको बायोग्राफी ऑफ शिवाजी महाराज, लेकिन वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी। अब जो शिवाजी महाराज थे छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी इनसे रिलेटेड बहुत सी बायोग्राफीज लिखी गई है। अब बहुत सी बुक्स हैं जिसमें आपको शिवाजी महाराज की बायोग्राफीज़ के बारे में या उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में पता चलेगा। तो इनकी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बायोग्राफीज़ लिखी गई है और ये अलग अलग राइटर्स ने अपने अपने स्टाइल में लिखा है। तो आगे भी हम पढ़ेंगे, बहुत सारे बुक्स हमें देखने को मिलेंगे। उनमें से एक बुक थी जो कि संस्कृत में लिखी गई और किसने लिखा, वो परमानंद ने। तो ये सब पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि इनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रूलिंग सिस्टम, कि वो कैसे रूल करते थे अपनी प्रजा पे, साथ ही उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे थे अदर्स के साथ। डिप्लोमेटिक रिलेशन मतलब दो कंट्रीज़ के बीच के रिलेशन, क्या वो दोनों झगड़ते हैं, क्या वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो ऐसे जो रिलेशन है वो हो गए डिप्लोमेटिक रिलेशन। लाइक इंडिया और पाकिस्तान दोनों कट्टर दुश्मन हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो अच्छे नहीं हैं। इंडिया और चाइना ये दोनों भी अच्छे, इनके भी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं। लाइक इंडिया और बांग्लादेश ले लें, तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं आपस में, तो हम कहेंगे कि इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हैं, ठीक है। फिर तवारीख और तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तवारीख या तारीख जिसको हमने क्रॉनिकल भी कहा, ये क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एक के बाद एक इवेंट कि 1948 में क्या हुआ, 49 में क्या हुआ, 50 में क्या हुआ, ये सब लिखते हैं तो उसको तवारीख या तारीख कहते हैं। तवारीख रिटन बाय अल बिरूनी, जियाउद्दीन बरानी, मौलाना अहमद, याह्या बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना एक्सेट्रा आर अवेलेबल। तो ये सारे अलग अलग राइटर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने तवारीख लिखा है। कौन, तो इन्होंने अलग अलग तवारीख लिखे हैं और ये भी हम पढ़ सकते हैं, जिसको पढ़ने के बाद हमें हिस्ट्री की नॉलेज मिलेगी। फिर बखर्स के बारे में आपको बताया गया है कि बखर क्या थे, ये मराठी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, मराठा एम्पायर से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्स है। बखर इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र से ही शुरू हुए थे जब मराठा एम्पायर था। तो मराठा एम्पायर जब ख़त्म हो गया उसके कई साल बाद ये बखर लिखे गए, और बखर या बाखर इसमें क्या था, इसमें उनकी बायोग्राफीज थी, जो अलग अलग किंग्स थे उनकी बायोग्राफीज थी या उनके रीजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। क्रॉनिकल्स मतलब क्या होता है, क्रॉनिकल्स मतलब वही जो हमने तवारीख या तारीख देखी कि ये लोग सीक्वेंस में लिखा करते थे कि किसके बाद क्या हुआ, पहले ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ, ठीक है, उसको क्रॉनिकल कहते हैं। क्रॉनिकल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट्स लाइक द कॉन्टेम्पररी पॉलिटिकल हैपनिंग्स, लिंग्विस्टिक्स ट्रांजेक्शंस, कल्चरल लाइफ, सोशल कंडीशंस एक्सेट्रा। तो ये क्रॉनिकल्स को पढ़कर हमें क्या क्या पता चलेगा, हमें कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल हैपनिंग्स के बारे में पता चलेगा। कंटेम्प्ररी मतलब उस टाइम के, जिस भी टाइम को हम पढ़ रहे हैं, लाइक यहाँ पे बखर की बात हो रही है तो मराठा टाइम को हम पढ़ रहे हैं, तो मराठा टाइम जब इंडिया में था उसी टाइम पे कंटेम्प्ररी टाइम में अदर कंट्रीज़ में क्या था, यानी उसी टाइम पे क्या चल रहा था पॉलिटिकल, जो भी हैपनिंग्स हो रही थी। फिर लिंग्विस्टिक ट्रांजेक्शन्स के बारे में पता चलेगा, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनके बारे में पता चलेगा कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। कल्चरल लाइफ के बारे में पता चलेगा, कौन से डांस फॉर्म फेमस थे, कौन सी सिंगिंग्स फेमस थी, कौन से आर्ट्स फेमस थे। सोशल कंडीशंस के बारे में पता चलेगा कि लोग कैसे रहते थे, कैसे पता चलेगा, तो इन क्रॉनिकल्स या बखर को पढ़ने के बाद।
many of the chronicles in Marathi were written many years after the events and occurred. तो जो मराठी लैंग्वेज है उसमें ये बखर लिखे गए, ठीक है। बखर कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए? मराठी लैंग्वेज में। और कब लिखे गए? जब मराठा एम्पायर ख़त्म हो गया था उसके बहुत सालों बाद लिखे गए। तो बहुत सालों बाद, लाइक ये मराठा एम्पायर ख़त्म हुआ यहाँ पे, बहुत सालों बाद ये बखर जो थे वो लिखे गए, ठीक है। तो तब तक बीच में इनको नॉलेज कैसे मिला कि मराठा एम्पायर था? तो वो ओरल ट्रेडिशन से ये ट्रांसफ़र होते गया, मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बताया, दूसरे पर्सन ने उसकी नेक्स्ट जनरेशन को बताया, तो ऐसे ही ये ट्रांसफ़र होता गया। और फाइनली एक पर्सन ने क्या किया, वही इन्फॉर्मेशन को एक बुक में लिख डाला। एज अ रिजल्ट दे आर सीन टू रिलाई ऑन हियर सेज, इसीलिए बखर जो है ऐसा माना जाता है कि वो सुनी कई बातों पर डिपेंडेंट है। रिलाय मतलब वो डिपेंडेंट है हियर सेज पे, यानी सुनी हुई बातों पर। तो कई बार जो बखर है वो इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट तो माना जाता है, बट जो बखर है ऐसा कहा जाता है कि उन पे हम पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते। उनको पढ़ के हम ये नहीं बोल सकते कि उसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं सारी सच है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमने देखा कि जो बखर थे वो बहुत ही बाद में जाके लिखे गए, है ना। तो अगर हम डायरेक्टली उस पर ट्रस्ट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सालों बाद लिखा जाना, यानी हो सकता है कि कुछ लोगों ने क्या किया हो, अपने मन की भी फेंकते फेंकते कुछ भी बता दिया हो, है ना, फिर उसी को उन्होंने लिख डाला हो। तो इसीलिए बखर को कई बार ट्रस्टेबल और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता। फिर द वर्क्स ऑफ सम ऑफ द क्रॉनिकल्स आर माहिकावती ची बखर, सभासद बखर, चितनी साची बखर, भाऊसाहेबांची बखर, एक्सेट्रा। तो ये कुछ बखर के नाम हैं। बखर की बात करें तो 200 से भी ज़्यादा बखर हमें मिलती हैं लिखी हुई अभी के टाइम पे, ठीक है। तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बखर दी हुई हैं, जैसे माहिकावती ची बखर वी एन राजवाड़े नाम के एक बहुत ही फेमस मराठी ऑथर थे जिन्होंने ये लिखी थी माहिकावती ची बखर। इसमें क्या बताया गया है, जो महाराष्ट्र का कोकण रीजन है, कोकण रीजन के नॉर्थन पार्ट की पूरी हिस्ट्री इसमें दी हुई है माहिकावती ची बखर में, ठीक है। फिर सभासद बखर है, सभासद बखर जो है ये लिखी थी कृष्णाजी अनंत सभासद ने। और ये इस बखर में क्या बताया गया है, तो शिवाजी महाराज की बायोग्राफी बताई गई है। मैंने आपको बताया कि शिवाजी महाराज की बहुत सारी बायोग्राफी बुक्स है, ठीक है, कोई एक नहीं है, बहुत सारे लोगों ने शिवाजी महाराज की बायोग्राफी लिखी है, उसमें से ये एक है सभासद बखर जो लिखी थी कृष्णाजी अनंत सभासद ने। फिर वैसे ही और एक बायोग्राफी है शिवाजी महाराज की, जो है चितनी साची बखर, ये चितनीस नाम के एक लेखक थे उन्होंने लिखी थी। फिर भाऊ साहेबांची बखर, या भाऊ साहेबांची बखर जो है इसी को दूसरा नाम है पानीपताची बखर। अब ऐसा नाम क्यों है, तो नाम से ही समझ आता है, क्योंकि ये जो बखर है इसमें द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, इसीलिए इसको कहा जाता है भाऊ साहेबांची बखर या फिर पानीपताची बखर। तो ये कुछ बहुत ही फेमस बखर है जिसमें से भाऊ साहेबांची बखर जो है या पानीपताची बखर जो है ये बहुत ही फेमस है। द वर्क्स ऑफ कंटेम्प्ररी वेस्टर्न हिस्टोरियंस लाइक रॉबर्ट आर्म, एम सी स्प्रेंगल एंड ग्रैंड डफ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो उसी टाइम पे, मतलब जब मराठा एम्पायर था उसी टाइम पे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, जैसे ग्रीक हो गया, ईरान हो गया, इटली हो गया, इस टाइम पे भी कुछ हिस्टोरियंस ने इंडिया के बारे में लिखा था, जैसे कि रॉबर्ट आर्म है, इन्होंने लिखा था, एम सी स्प्रेंगल और ग्रैंड डफ, इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था। तो वो बुक्स भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट आपको दिया गया है, डू दिस मेक अ कलेक्शन ऑफ पोवाडास ट्राइबल सॉन्ग्स। तो पोवाडास या ट्राइबल सॉन्ग्स का आपको कलेक्शन करना है और उनको अपने स्कूल में प्रेजेंट करना है कल्चरल फेस्टिवल में। पोवाडा क्या होता है आपको पता होगा, मराठी कल्चर में पोवाडास जो है वो एक सॉन्ग जैसा होता है। उसमें क्या होते हैं, जो भी हिस्ट्री में इवेंट्स हुए हैं, हिस्ट्री में जो भी घटनाएं हुई हैं, उसको ये लोग सॉन्ग के फॉर्म में बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो पोवाडास कहते हैं। वैसे ट्राइबल सॉन्ग्स भी होते हैं, ट्राइबल मतलब कुछ आदिवासी जैसा सॉन्ग्स। तो ये सब जो भी हैं ये भी हिस्ट्री के ही कुछ सोर्सेस हैं, जो कि जिनको ओरल सोर्सेस कहा जाता है। वो हम वी अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फोल्क लाइफ थ्रू फोल्क लिटरेचर ट्रेडिशनली पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ठीक है। तो हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता चलते हैं फोल्क लाइफ के, फोल्क लिटरेचर से।
अब यहाँ पे लिटरेचर वर्ड यूज़ किया है। लिटरेचर का वैसे मीनिंग देखा जाए तो क्या होता है, कोई भी बुक फॉर्म में अवेलेबल जो है उसे हम लिटरेचर कहते हैं। बट यहाँ पे फोल्क लिटरेचर की बात की है। सबसे पहले तो फोल्क लाइफ क्या होता है, फोल्क लाइफ मतलब कोई भी रिलीजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो है फोल्क लाइफ, ठीक है। जैसे मराठी लिटरेचर है, ठीक है, मराठी रिलीजन में क्या होता है, पोवाड़ास वगैरह होते हैं, तो ये एक रिलीजन से रिलेटेड है, सिर्फ मराठी लोग ही उसे पोवाड़ा कहते हैं, बाकी रिलीजन में नहीं कहा जाता, तो ये फोल्क लाइफ हो गया। अब उसी को फोल्क लिटरेचर कहते हैं जो लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे अगर आप मराठी हो तो आपके पेरेंट्स ने आपको पोवाड़ा सिखाए होंगे कोई, आप उसको अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र करोगे, तो ये हो गया फोल्क लिटरेचर जो ट्रेडिशनली पास हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अब ऐसे कुछ सॉन्ग्स भी होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में तो पास होते हैं, जो हमारे ग्रैंडफादर्स हमें सुनाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हमें सुनाते हैं, और वो शायद कोई बुक में लिखे नहीं होते, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ओरल सोर्सेस है, ठीक है। अब ओरल सोर्सेज के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया फोक सॉन्ग्स। फोक सॉन्ग्स क्या होते हैं, ऐसे सॉन्ग्स जो कि एक रिलीजन से रिलेटेड है, सो जो सिर्फ एक ही रिलीजन में गाए जाते हैं, वो होते हैं फोक सॉन्ग। अब ये जो फोक सॉन्ग्स हैं ये सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, पंजाबी रिलीजन है तो अलग होंगे, मराठी रिलीजन है अलग होंगे, है ना, या कोई और गुजराती रिलीजन है तो अलग होंगे। फिर गाथा, गाथा मीन्स स्टोरीज, ठीक है, गाथा मीन्स क्या, स्टोरीज। अब कौन सी स्टोरीज, तो जो भी ग्रेट लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, उनकी स्टोरीज। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक महाभारत। महाभारत जो है वो बहुत बड़ी गाथा है, बहुत बड़ी स्टोरी है, उसको महागाथा भी बोला जाता है। तो ये क्या है, महाभारत जो है वो ओरल सोर्सेस में है, ठीक है। अब आप कहोगे कि महाभारत तो हमें बुक के फॉर्म में मिलता है, रिटर्न मिलता है, तो जी हाँ वो रिटर्न सोर्सेस होना चाहिए, बट ओरल सोर्सेस क्यों बोल दिया मैंने उसको, तो ये कुछ समय तक ओरल सोर्सेस में आता था। कैसे, जब महाभारत हुआ था माना जाता है कि उसके 100-200 सालों के बाद जाके उसको किसी ने लिखा, ठीक है। तो वो जो 100-200 साल तक का पीरियड था, उस टाइम पे महाभारत का नॉलेज लोगों को कैसे मिला, तो ओरल सोर्स से, मतलब लोग एक दूसरे को बताते थे कि ये हुआ था इस टाइम पे, इसने इसके साथ फाइट किया, ये जीत गया, है ना, तो इसीलिए वो एक गाथा है। तो ऐसी स्टोरीज बहुत सारी हैं जो ओरल सोर्सेज में आती हैं, महाभारत तो एक एग्जाम्पल दिया था। फिर श्लोकास, श्लोक क्या होते हैं, जैसे अगर आपने गीता पढ़ा है, महाभारत भी और रामायण भी, इनमें ऐसे लाइंस लिखी होती हैं, तो उनकी जो लाइंस है वो उनको श्लोक कहा जाता है। संस्कृत में बहुत बार हमें श्लोक मिलते हैं, ठीक है। फिर अभंगास, अभंगास क्या होते हैं, अभंगास जो है बुक्स होते हैं, और ये जो बुक है ये बेसिकली गॉड से रिलेटेड होते हैं, गॉड के बारे में बनाए जाते हैं, और अभंगा को गाया भी जा सकता है, लाइक आपने दोहे वगैरह सुने होंगे, दोहे होते हैं या पद होते हैं, तो वैसे ही अभंग होते हैं। फिर है पोवाड़ास, पोवाड़ास क्या होते हैं, कोई ऐसी पोएम्स होती हैं पोवाड़ास जिनको हम सॉन्ग के फॉर्म में बताते हैं। तो पोवाड़ास एक्चुअली परफॉर्म कैसे होते हैं, मराठी ट्रेडिशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है पोवाड़ास को। होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं, वो लोग एक कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट ले लेते हैं, लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज है, तो उनकी पूरी स्टोरी को ये गाते गाते सुना देंगे, गाते गाते ये लोग डांस करेंगे और गाते गाते पूरी स्टोरी उनकी बता देंगे, तो वो हो गए पोवाड़ास, जिसमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं लेकिन गाते गाते। तो फिर प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, प्रोवर्ब्स आपको पता है जो भी अच्छी चीज़ें हैं या फिर कुछ गुड थॉट्स हैं, कोट्स हैं, उनको प्रोवर्ब्स कहा जाता है। प्रोवर्ब्स यानी कहावतें भी बोल सकते हैं हम इसे हिंदी में, कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत है, प्रोवर्ब है। फिर लेजेंड्स या लेजेंड्स, लेजेंड्स क्या होते हैं, कुछ महान लोग हैं उनकी बायोग्राफीज हैं, वो सब आ गई लेजेंड्स में, लेकिन जो ओरल फॉर्म में, ठीक है, ये याद रखना है कि हम ओरल फॉर्म के एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। फिर मिथ्स भी हैं, कुछ मिथ्स यानी ऐसी बातें जो बिल्कुल झूठ है, जो सच नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनको ट्रांसफ़र करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। लाइक आपके पेरेंट्स ने आपको बोला होगा कि आप जब छोटे थे तब आपको बोला गया होगा कि खाना खा लो वरना गब्बर सिंह आ जाएगा या भूत आ जाएगा, ऐसा कुछ, तो वो सारे क्या हो गए, मिथ्स में आ गए, वो भी ओरल सोर्सेज हैं। तो ओरल सोर्सेज में क्या क्या आ गया, सबसे पहले फोक सॉन्ग्स, ऐसे सॉन्ग्स जो किसी ट्रेडिशन को है पर्टिकुलरली, फिर गाथास यानी बड़ी बड़ी स्टोरीज, श्लोकास यानी लाइंस कुछ जिनसे हमें नॉलेज मिलता है, जो कि गीता महाभारत रामायण में होते हैं। अभंगास है, अभंगास मतलब जो गॉड के लिए लिखे जाते हैं कुछ लाइंस, उनको अभंगास बोलते हैं।
पोवाड़ास हैं हिस्ट्री के सॉरी हिस्ट्री जो है उनको सॉन्ग के फॉर्म में बता देते हैं। प्रोवर्ब्स हैं यानी कहावतें, लीजेंड्स यानी कुछ महान लोग हैं उनके बारे में बताया गया है, मिथ्स मतलब जो झूठी बातें हैं लेकिन लोग उनको फैलाते हैं। फिर सम एग्जाम्पल्स आर ओवीस, फोक सॉन्ग्स, पोवाड़ास, फोक टेल्स, लीजेंड्स एंड मिथ्स। तो ये ओरल सोर्सेज के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओवीस क्या होती हैं? ओवीस है मतलब कुछ पोएम्स होती हैं जो राइमिंग फॉर्म में लिखी जाती हैं। पोएम्स का कुछ हिस्सा होता है जो राइम करते हुए बताया जाता है, उन्हें ओवीस कहते हैं। और ओवीस जो है वो स्पेशली एक नरेटिव पोएम में यूज़ की जाती है। नरेटिव पोएम मतलब जिस पोएम में हम कुछ स्टोरी जैसा सुना रहे हैं, तो उन्हें ओवीस कहते हैं। फिर फोक सॉन्ग्स है, ये तो पता है आपको, एक रिलीजन से रिलेटेड सॉन्ग्स जो है उन्हें फोक सॉन्ग्स कहते हैं। पोवाड़ास हैं, फोक टेल्स हैं, फोक टेल्स मतलब किसी रिलीजन से रिलेटेड कोई कहानी, उसे फोक टेल कहेंगे। फिर लीजेंड्स हैं और मिथ्स हैं, ये सब किस में आते हैं? ओरल सोर्सेज में। इन्हीं को कहा जाता है ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज रिटन विद द हेल्प ऑफ थ्री टाइप ऑफ सोर्सेज मैंशनड अबव। तो तीन टाइप के हमने सोर्सेज पढ़े हिस्ट्री में, कौन कौन से? यस, मटेरियल सोर्सेज, फिर रिटन सोर्सेज एंड ओरल सोर्सेज। इवन आफ्टर इट हैज़ बीन रिटन डाउन, रिसर्च ऑन इट गोज ऑन कंटिन्यूसली। अब जब भी हम हिस्ट्री में कुछ लिख लेते हैं ना, फिर भी उस पर रिसर्च चालू ही रहती है, क्योंकि लिखा हुआ ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लिखा हुआ हमें मिल रही है कोई चीज़ तो वो सच ही हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, वो गलत भी हो सकती है, इसीलिए उस पर रिसर्च हमेशा शुरू रहती है। न्यू सोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन कम टू लाइट थ्रू दिस रिसर्च। तो इसी रिसर्च की वजह से नए सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें मिलते हैं, नई नई चीज़ें पता चलती है, फिर उसी हिसाब से हिस्ट्री को रीराइट किया जाता है। देखिए, कोई रिटर्न सोर्स है हमारे पास, अब हमें लगा कि ये सही नहीं है, तो क्या किया जाएगा? इस पर रिसर्च किया जाएगा। रिसर्च करने के बाद हमें कुछ पता चला नई चीज़ें, तो हम क्या करेंगे? और एक नया सोर्स बनाएंगे जिसमें हम ये तो लिखेंगे ही जो भी लिखा हुआ था, साथ ही हमने जो रिसर्च से पता लगाया वो भी हम इसमें मेंशन कर देंगे। तो ऐसे क्या बनते हैं? न्यू सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बनते हैं। क्या बनते हैं? न्यू सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। वी कैन सी दैट आर हिस्ट्री बुक्स एंड दोज ऑफ आर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स डिफर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो अगर आप अभी के आपके हिस्ट्री बुक्स देखोगे और आपके पेरेंट्स के ज़माने के हिस्ट्री बुक्स देखोगे तो बहुत ही डिफरेंट आपको मिलेंगे, है ना? आपके पेरेंट्स के टाइम पे अगर बात करें तो कहते हैं हमारे पेरेंट्स हमें बहुत बार कि हमारे टाइम पे तो फिफ्थ क्लास में जाके हमें क्या सिखाते थे? ABCD सिखाते थे, है ना? तो आज हम बात करें तो KG1 में ही ABCD सिखाते हैं। तो ये हिस्ट्री जो हिस्ट्री का यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे हिस्ट्री भी बदलती है। आपके पेरेंट्स के टाइम की अगर आप हिस्ट्री के बुक्स देखोगे तो इतने डिटेल में नहीं लिखे होंगे जितना कि आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको एक तान्हाजी का पोवाड़ा दिया हुआ है। तान्हाजी ने क्या किया था? ये सूबेदार थे बेसिकली, यानी मेन पर्सन थे शिवाजी महाराज के, और शिवाजी महाराज के अंडर में थे तान्हाजी। तो तान्हाजी ने क्या किया था? एक फोर्ट था जिसका नाम था कोंढाणा फोर्ट, ठीक है? कोंढाणा फोर्ट साउथ में था, डेक्कन रीजन में। तो तान्हाजी ने कोंढाणा फोर्ट को जीत लिया था, ठीक है? अपनी पूरी आर्मी के साथ गई है और कोंढाणा फोर्ट को इन्होंने जीत लिया। तो उस पर ही क्या हुआ, एक शायर थे या फिर एक राइटर थे या पोएट भी बोल सकते हैं, पोएट थे, पोएट इज़ अ प्रॉपर वर्ड, तुलसीदास शाहिर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तानाजी की वीरता पर एक पोवाड़ा लिखा। तो ये जो पोवाड़ा है ये भी एक ओरल सोर्सेस, ये आपको कहीं रिटर्न नहीं मिलेगा। गूगल पर भी आप सर्च करोगे ना तो ये पोवाड़ा आपको कहीं रिटर्न मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये ओरल सोर्सेज से बहुत टाइम तक ट्रांसफ़र होते गया है। तो ये जो पोवाड़ा है ये आप चाहो तो मराठी में आप पढ़ सकते हो इसको। इसमें तानाजी के बारे में, शेलार मामा के बारे में। शेलार मामा कौन थे? देखिए, तानाजी ने जब कोंढाणा फोर्ट पे अटैक किया, ठीक है, कोंढाणा फोर्ट था वहाँ पे, किसने अटैक किया? तानाजी ने। तो तानाजी ने कोंढाणा फोर्ट पे अटैक किया, कहा जाता है कि कोंढाणा फोर्ट को जीत लिया, लेकिन जीतने में इनकी मदद की थी शेलार मामा ने। फिर शिवाजी महाराज हैं, वीर माता जीजाबाई हैं, इनके बारे में इस पूरे इसमें मेंशन किया गया है पोवाड़ा में, ठीक है, ये आप खुद पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे इवैल्यूएटिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इट इज़ नेसेसरी टू टेक सर्टन प्रिकॉशंस बिफोर यूजिंग दिस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब जब हम सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं हिस्ट्री के, तो ज़रूरी बात यह है कि हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं।
क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? देखिए, कोई अगर रिटर्न सोर्स है, हमें वो मिल रहा है, हम उसको पढ़ रहे हैं और हमने मान लिया कि ये सही है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर हम कोई सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये कितना सही है कितना गलत है। कोई हिस्टोरियन द्वारा उसको अप्रूव किया जाना चाहिए कि हाँ भाई ये सही है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जब भी हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो हमें उसकी ऑथेंटिसिटी को एग्जामिन करना है। ऑथेंटिसिटी मतलब करेक्टनेस, कि वो कितना करेक्ट है, कितना जिनाइन है, जिनाइन मतलब ट्रू, कितना ट्रू है, कहीं वो फेक तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। द क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स। उनकी क्वालिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे हम? इंटरनल स्टैंडर्ड्स की मदद से, यानी कि जो भी हिस्टोरियंस द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि ये सही है ये सही है, तो वो हो गए इंटरनल स्टैंडर्ड्स। वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द इंटीग्रिटी ऑफ राइटर्स, देयर पर्सनल इंटरेस्ट, पीरियड इन विच दे लिव एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स ऑन देम। अब किसी राइटर ने अगर मान लीजिए हिस्ट्री लिखा है, तो वो राइटर कैसे लिखेगा हिस्ट्री? अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे लिखेगा। मान लीजिए इंडिया का कोई राइटर है, उसने इंडिया की हिस्ट्री लिखी, क्या करेगा? इंडिया की तारीफ करेगा। लेकिन वहीं अमेरिका का कोई राइटर है, उसने हिस्ट्री लिखी, क्या करेगा? वो अमेरिका की तारीफ करेगा और इंडिया की बुराई करता जाएगा, है ना? तो ये पर्सनल इंटरेस्ट पे बेस करता है कि कौन कहाँ पे रह के हिस्ट्री लिख रहा है, फिर कौन से पीरियड के थे वो, कौन से टाइम में हिस्ट्री लिख रहे थे वो, फिर उन पे पॉलिटिकल प्रेशर क्या था, क्या वो कोई राजा के आदमी तो नहीं थे? अगर वो राजा के आदमी हैं तो राजा की जो तारीफ है वही करते जाएंगे और बुराई तो करेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई अपोजिशन पार्टी से है, वो हिस्ट्री लिख रहा है, तो वो बिल्कुल बुराई करेंगे। तो इस तरह से राइटर पे डिपेंड करता है वो किस टाइप से हिस्ट्री लिखेगा। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सी वेदर दे रिलाई ऑन हियरसे और गिव एन आई विटनेस अकाउंट। अब जो राइटर हैं, हमें देखना यह है कि जो राइटर है जो हिस्ट्री लिख रहा है, उसने हिस्ट्री कैसे लिखी? क्या उसने खुद देखा था वो इवेंट जो वो लिख रहा है, या फिर उसने किसी से सुना है, हियरसे है? ठीक है, वी नीड टू कंसिडर द एग्जाग्रेशंस, मेटाफॉर्स एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेस दे यूज़। अब जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, लाइक मेटाफॉर्स यानी कंपेयर करके यूज़ लिख रहे हैं वो हिस्ट्री, किसी को किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करके लिख रहे हैं, वो अपने इमोशंस भी उसमें डाल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। द इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ अदर कंटेम्प्रेरी सोर्सेस। वो जो इन्फॉर्मेशन है हमें उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि सही है कि नहीं। कैसे? तो उस टाइम पे दूसरे जो सोर्सेस अवेलेबल हैं, उसी टाइम के कुछ और बुक्स हमें मिल गए, तो उसमें से हम चेक करेंगे कि सारे बुक्स में सेम लिखा है कि नहीं, तो हमें कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ सही लिखा है। द इन्फॉर्मेशन मे बी वन साइडेड, कॉन्ट्राडिक्टरी और एग्जागरेटेड। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हो सकता है कि वो वन साइडेड हो, एक ही साइड से लिखा जा रहा है, यानी कोई राइटर ने राजा की बायोग्राफी लिखी है तो हो सकता है कि वो सिर्फ वन साइडेड लिख रहा है, यानी राजा की तारीफ ही करता जा रहा है, बुराई बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो गया, है ना? उसको दोनों साइड से लिखना चाहिए। अगर आप तारीफ कर रहे हो तो आप बुरी इफ़ेक्ट्स भी बताओ कि उसके बुरे क्या उसमें बुराई थी। फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, यानी बिल्कुल अपोजिट भी हिस्ट्री लिख सकते हैं, एक बुक में कुछ सही लिखा है और दूसरी बुक जो है इसमें बिल्कुल अपोजिट लिखा है, इसमें राजा की अच्छाइयाँ लिखी हैं, इसमें राजा की पूरी बुराइयाँ लिखी है, तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी हिस्ट्री हो सकती है। और एग्जागरेटेड भी हो सकती है। एग्जागरेटेड मतलब एकदम बड़ा चढ़ा के, है ना, जो है ही नहीं उसको भी बड़ा चढ़ा के बोल दिया आपने, वो हो गया एग्जागरेट, मतलब फेंक रहे हैं बिल्कुल। तो कुछ कुछ राइटर्स फेंकने का भी काम करते हैं। इट हैज़ टू बी सीन इन अ प्रॉपर परस्पेक्टिव, सोर्सेज हैव टू बी सब्जेक्टेड टू अ क्रिटिकल एनालिसिस। तो ये जो राइटर्स हैं हिस्ट्री के, ये तो कुछ भी लिखते जाएंगे, है ना? तो हमें क्या करना है, हमें सब पे बिलीव नहीं करना है, हमें सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेज पे बिलीव करना है। हमारा ये काम है कि हम प्रॉपर परस्पेक्टिव से देखें, यानी वही सोर्सेज हम पढ़ें जो कि प्रॉपर हों। जैसे आपकी ये हिस्ट्री की बुक है ना, ये प्रॉपर सोर्स है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इसमें जो लिखा है वो रॉन्ग लिखा है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर गवर्नमेंट ने रिलीज़ की हुई है, तो ये एक ऑथेंटिक सोर्स है। फिर उसको क्रिटिकल एनालाइज करना चाहिए, यानी अच्छे से उसको चेक करना चाहिए सही है कि नहीं। द ऑथर्स इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री कोई लिख रहा है, ठीक है, तो जो भी लिख रहा है, जो भी ऑथर है, जो भी राइटर है, वो इम्पार्शियल होना चाहिए। इम्पार्शियल मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक ही साइड का लिखता रहे, तारीफ ही करता रहे। अगर वो किसी टाइम का तारीफ कर रहा है तो उसकी बुराई भी करनी चाहिए, उसमें क्या बैड चीज़ें थी वो भी बतानी चाहिए। और ऑथर न्यूट्रल होना चाहिए, उसमें न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। न्यूट्रल यानी वही चीज़ कि उसने सब सारी चीज़ों को देखते हुए हिस्ट्री लिखनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही साइड पे लिखे, ठीक है? तो पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए और सबको एक
समान दृष्टि से उसने देखना चाहिए। तो ये था इवेल्यूएटिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या था पूरे में, यही इम्पॉर्टेंट था कि अगर हम हिस्ट्री के सोर्सेज पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल हमें प्रूफ के साथ पढ़ना चाहिए कि हाँ, हमें पूरा ट्रस्ट होना चाहिए कि ये सही सोर्सेस है, लाइक आपकी ये हिस्ट्री की बुक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट।